जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी में। आई होप मेरी जो वॉइस है वो आप लोगों तक पहुंच रही होगी और कोई टेक्निकल इश्यूज हम लोग फेस नहीं कर रहे होंगे। तो जल्दी से थम्स अप कर दो जिससे कि सेशन को मैं जो है शुरुआत कर सकूं। तो ठीक है, आई थिंक जो है वो वॉइस जो है वो क्लियर है और दिस इज़ गुड। तो अभी हम लोग प्रियम्बल पढ़ रहे थे, लास्ट सेशन में हमने प्रियम्बल पढ़ा था और आज भी हम प्रियम्बल को थोड़ा सा रिविज़न करेंगे एंड कुछ MCQs सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड, एंड कल जो है हम अगला चैप्टर अपना उठाएंगे। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की हमारी ये समरी चल रही है। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रियम्बल। प्रियम्बल के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार हल्का सा रिविज़न ब्रीफ दे देता हूँ। प्रियम्बल जो है थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं फिर MCQs सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया ने कहाँ से लिया था, मैंने आपको बताया था। इंडिया ने प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके US से लिया था। कहाँ से लिया था? US से। ठीक है, अगर आपसे देखो हमको क्या बोला जाता है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है भैया बैग ऑफ बोरोइंग्स है, आपने अलग अलग जगहों से कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चुराया है, बनाया है। भैया जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो इसको दिल पे मत लेना, जो स्टेटमेंट्स है वो आपको याद दिलाने के लिए ऐसे कुछ बोल रहा हूँ मैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो हमने अलग अलग जगहों से लेके बना दिया है। ठीक है, जैसे कि US से आपने किसका कॉन्सेप्ट लिया है? प्रियम्बल का। किसका कॉन्सेप्ट लिया है? प्रियम्बल का। पिछले कुछ चैप्टर में हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 को काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ला दिया गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे शुरू होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। किससे शुरू होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैंने आपको कल बताया था कि भैया इसके ऊपर भी वोटिंग हुई थी कि भैया वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू करना है या किसी गॉड के नाम से शुरू करना है। तो जब वोट हुआ तो फाइनली डिसाइड हुआ कि भैया वी द पीपल ऑफ इंडिया से कर सकते हैं। इसमें काफ़ी भारी भारी टर्म यूज़ हुए हैं प्रियम्बल के अंदर, आपको प्रियम्बल याद होनी चाहिए, जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। डिटेल में अभी हम सब आगे देखेंगे। एक डेट है दिमाग में बैठा लेना, जो कि है 26 नवंबर 1949। इस दिन प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया था। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे इस सेशन में, जैसे कि मैंने आके यहाँ पे अपनी अटेंडेंस आपके सामने रखी है, वैसे ही अब आप लोगों का भी काम है अपनी अटेंडेंस मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। अपना नाम बताइए, आप किस सर्विसेज को ऑप्ट करना चाहते हैं UPSC क्वालिफाई करने के बाद, एंड आप किस जगह से हैं। तो ये आप अटेंडेंस में कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। काफ़ी सारे इंडिया के बेस्ट बेस्ट टीचर्स जो है वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। मृणाल नाम सुना ही होगा, UPSC के गॉडफादर, UPSC के कोचिंग के गॉडफादर, UPSC के नहीं, UPSC कोचिंग इंडस्ट्री के गॉडफादर, रूमन हिमसेल्फ। इंडिया के जो बड़े से बड़े टीचर्स हैं वो आपको अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं। तो जल्द से जल्द अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। क्या है? MPS। ये मेरा तरीका है आपकी मदद करने का। अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपके काफ़ी सारे पैसे बच सकते हैं। 64,000 जो 2 ईयर्स का कोर्स होता है वो आपका 57K का पड़ेगा, वहीं 44,000 का जो 1 साल का कोर्स होता है वो 38K के आसपास का पड़ेगा। बट इसके लिए आपको इस कोड को यूज़ करना होगा। इस कोड का नाम है MPS। इस कोड को यूज़ करने का एक फ़ायदा और है, आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी आपके एग्ज़ाम तक, जो फ़ायदेमंद हो सकता है। बट इस कोड को मत भूलिएगा, MPS। ठीक है, चलिए, दिस इज़ अबाउट मी एंड ये मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, लेट स्टडी, लास्ट में 3 वाय है, आप यहाँ पे इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। PDF इस सेशन की वही मिलेगी। आप मुझे अनअकैडमी एंड इंस्टाग्राम पे दोनों पे ही मानवेन28 से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। एमरजेंसी में यू कैन व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर। ठीक है, अगर आपको चैनल की लिंक नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, इस नाम से सर्च करिएगा टेलीग्राम पे तो आपको चैनल मिल जाएगा। मेरे 3 सेशंस होते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। 9 बजे सुबह प्रिलिम्स बूस्टर आपका इसी चैनल पे आता है, अनअकैडमी के मेन चैनल पे लेट्स क्रैक UPSC CSE जो है उस पे आपका 12 PM को ईयरली करंट अफेयर राउंडअप चल रहा है, जो 20 के प्रिलिम्स के लिए, 21 के प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जाके देखा करिए। और लास्ट में 9 बजे यही लक्ष्मीकांत समरी होती है। इन 3 सेशन के बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी सेशन जो है मेरे वो मिस ना हो पाए। चलिए शुरू करते हैं प्रियम्बल। हमने बात कर ही ली है थोड़ा बहुत इसके बारे में, कल मैंने इसको पढ़ा दिया था, जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जो प्रियम्बल है वो अथॉरिटी किससे ड्राइव करता है? पीपल से, पीपल ऑफ इंडिया से। प्रियम्बल में टर्म कैसे यूज़ हुए हैं? सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक,
हमारा जो कंट्री है वो सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये बात प्रियम्बल में लिखा हुआ है। हमारा जो प्रियम्बल है वो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है। क्या है इनके डिमीनिंग, अभी हम आगे देखेंगे। अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। क्लियर है बात? हाय प्रीतम, हाय पूजा। फिर बात करते हैं भैया अब इन भारी भारी वर्ड्स का मतलब क्या होता है इसके बारे में। सबसे पहला जो टर्म है यहाँ पे आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, सॉवरेन। क्या लिखा हुआ है? सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि भैया ये इंडिया है, इसमें जो गवर्नेंस है ना वो अपने मर्जी से चलेगी, किसी बाहरी ताकत का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। जैसे कि मोदी जी भारत में लॉकडाउन ख़त्म करना चाहें तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं कहेंगे भैया आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। वी आर इंडिपेंडेंट, आर कंट्री कैन डिसाइड भैया हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए। तो इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। आप लोगों को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है ना, कोई स्लो लो तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? वॉइस सुनाई देनी चाहिए, ठीक है, वॉइस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक बार बता देना मुझे कमेंट में प्रीतम एंड पूजा कि आर यू एबल टू हियर माई वॉइस एंड इज इट क्लियर ना, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा टर्म जो है वो सोशलिस्ट की बात करता है। सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधी। अब ये सब आपके ऊपर से चला गया होगा कि भैया ये क्या है सर, हमें तो समझ में ही नहीं आया। देखो हमारी जो गवर्नमेंट है ना उसने सोशलिस्ट टर्म को यूज़ किया, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कहीं कहीं पे कम्युनिस्ट सोशलिज्म होता है, जहाँ पे जैसे कि सिर्फ ये होता है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही सारे सेक्टर को गवर्न करेगी, प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो कोई भी चीज़ को ओन नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, सरकारी बैंक भी है, वहीं यहाँ पे HDFC बैंक और एक्सिस बैंक भी हैं, प्राइवेट बैंक भी हैं। तो दोनों टाइप की चीज़ें जो हैं वो सामने रह सकती हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो सेकुलर वर्ड जो है, सेकुलर वर्ड एंड सोशलिस्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हमारे प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। कब हुआ था ये 42nd अमेंडमेंट, कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बताए। सेक्युलर एंड सोशलिस्ट टर्म जो है वो 42nd अमेंडमेंट में प्रियम्बल में जोड़ा गया था। सेक्युलर का मतलब बहुत ही पॉजिटिव होता है। डिटेल में देखो इस चैप्टर को अगर पढ़ना है ना तो कल वाली वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। बट अभी हम पढ़ रहे हैं तो अभी आपको देखना होगा, हम रिविजन टाइप से कर रहे हैं इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। सेकुलर का मतलब होता है कि हर रिलीजन इक्वल है ना। हमारे कंट्री में कोई हिंदू रिलीजन महान है, ना ही मुस्लिम रिलीजन महान है, ना ही क्रिश्चियन रिलीजन महान है, सारे रिलीजन महान है, हमारे लिए सब इक्वल हैं। कोई हम किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं और ना ही हमारे कंट्री का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन है जिसको हम देश का रिलीजन मानते हैं। जैसे कि बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इस्लाम या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, क्रिश्चियनिटी को अपना रिलीजन मान रखा है, ठीक है। या पूजा चाइना में कम्युनिस्ट है, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद डेमोक्रेटिक की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज एम्पावर्ड बाय द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जनता के द्वारा एम्पावर किया गया है। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे करी गई है। इसको पहले देख लेते हैं क्या लिखा है, फिर मैं बताता हूँ। डेमोक्रेटिक का बेसिक मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता की गवर्नमेंट भैया, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के लिए और उनके ही लोगों की, ठीक है। डेमोक्रेटिक में देखो क्या क्या चीज़ें भैया, हम यहाँ पे अपना नेता खुद चुनते हैं, चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं, ठीक है। सबको इक्वालिटी है, आप भी वोट दे सकते हो, कोई और भी वोट दे सकता है, मेल भी वोट दे सकता है, फीमेल भी वोट दे सकता है। जबकि आपको पता है US में ऐसा नहीं था। US में पहले जब वोटिंग राइट्स मिले थे तो आपके ब्लैक पीपल को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, ठीक है। ये चीज़ इंडिया में नहीं है। हमारे यहाँ पे एक चाय वाला भी इलेक्शन लड़ सकता है और हमारे यहाँ पे किसी बहुत बड़े लीडर का लड़का भी आपका इलेक्शन लड़ सकता है। सलमान खान भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और वहीं कोई आपका सामान्य आदमी जो बिल्कुल गाँव का है वो भी इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एवरी वन इज़ इंडिपेंडेंट टू टेक देयर चॉइसेस। जस्टिस की बात करें तो हमारे यहाँ पे जस्टिस के मामले में सबको इक्वल रखने की बात कही है। सलमान खान ने हिट एंड रन किया या किसी, मतलब ऐसा हाइपोथेटिकली एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, दिल पे मत लेना। मेरा कहने का मतलब है कि भैया कोई बड़ा जो एक्टर है या फिर कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है या फिर कोई बहुत बड़ा लीडर है या फिर कोई बहुत बड़ा आदमी है, इवन अंबानी साहब के घर से कुछ क्राइम हो जाए तो वो भी इक्वल हैं और कोई जो बहुत ही गरीब आदमी है वो भी इक्वल है। हमारा जो प्रियम्बल है वो कहता है कि भैया जस्टिस को सर्व करो, सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दो, सबको इलेक्शन लड़ सकता है, सबको वोट दे सकता है। तो ये हमारा जस्टिस का जो प्रिंसिपल है प्रियम्बल में ये कहता है। लिबर्टी, लिबर्टी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है प्रियम्बल में? लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया आप लोग फ्री हो अपनी चॉइसेस लेने के लिए, आपकी जो इच्छा है आप वो कर सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट आप
जो जॉब करना है, मेरे को मेरा मन करे मुझे पढ़ाना है तो मैं पढ़ा सकता हूँ, कोई रोकेगा नहीं। कोई मैं मेरा मन करे कि मुझे बारबर की शॉप खोलनी है तो मैं खोल सकता हूँ, मुझे टैक्सी ड्राइवर बनना है मैं कर सकता हूँ। बट एक चीज़ ध्यान रखना, एवरी लिबर्टी या फिर एवरी राइट्स हैव सम एक्सेप्शंस, सम लिमिटेशंस। अब लिबर्टी में आपको दिया हुआ है भैया आप कुछ भी बोल सकते हो, पर इसका मतलब ये थोड़ा किसी को डिफेमेशन कर दो, किसी के बारे में उल्टा बोलने लग जाओ, ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरे को मन करे किसी को थप्पड़ मारने का तो क्या मार सकता हूँ क्या? नहीं, लिबर्टी का मतलब ये नहीं है। इक्वालिटी, सब इक्वल है भैया, कोई प्रिवलेज नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी के पास सिविल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स हैं। कोई गरीब, कोई गांव का किसान भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है वो भी कर सकता है, और कोई शहर का बंदा भी करना चाहता है वो भी कर सकता है, ठीक है? एवरीवन इज इक्वल। इसके बाद बात करते हैं फ्रेटर्निटी की। फ्रेटर्निटी बात करता है ब्रदरहुड की भावना को बढ़ाने की, जो भाईचारा है उसको बढ़ाने की। लोगों के बीच में ऐसे लॉज लेके आओ जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रमोट करे, लोगों में भेदभाव ना बढ़ाए। मतलब देखो, प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल ना ऑब्जेक्टिव है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है। तो ये सब प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के कभी भी लॉ मेकर्स जो हैं वो लॉ बनाएं, तो ये कॉन्सेप्ट्स प्रियम्बल में डाले गए थे, ठीक है? अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, क्या हिस्ट्री रही है प्रियम्बल की, कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रियम्बल की क्या हिस्ट्री रही है, कि क्या ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं है। इसके रिलेटेड काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए हैं, अलग अलग जजमेंट आया था। एक आपका केस आया था बेरी बेरी यूनियन केस 1960 का था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भैया प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। केशवानंदा भारती केस आपका 70s में आया था, तो केशवानंदा भारती केस में आया कि भैया जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। एंड लास्ट में आया LIC ऑफ इंडिया केस 1995, तो इसमें बोला गया इंटीग्रल पार्ट है। क्या है? इंटीग्रल पार्ट है क्या? प्रियम्बल। तो ध्यान रखना, अगर आपसे आज की डेट में कोई पूछ ले कि प्रियम्बल भैया इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं है, तो प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। देखो, प्रियम्बल में क्वेश्चंस क्या आते हैं ज़्यादा, स्टेटमेंट वाले आते हैं। अगर UPSC प्रियम्बल पे क्वेश्चन पूछती है तो स्टेटमेंट वाले पूछती कि भैया कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो इस तरीके से आप बताओ। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? क्लियर है बातें? नाइस, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, कुछ स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं, उसको समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई प्रियम्बल जो है वो एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भैया ये स्टेटमेंट तो सही है, प्रियम्बल जो है वो एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही है। बिल्कुल सही बात है, प्रियम्बल इज अ नॉट अ सोर्स टू लेजिस्लेचर। ये ध्यान रखना, पावर ऑफ, सुनना ध्यान से मेरी बात, इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर। सेकेंड स्टेटमेंट का मतलब समझ रहे हो? जो भैया कानून बनाने वाले हमारे MPs हैं, MLAs हैं, जो भैया बैठते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठते हैं, उनको क्या सोर्स प्रियम्बल से मिलती है? नहीं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। तो सोर्स प्रियम्बल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? बट इट्स एन एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रियम्बल इन्फोर्सेबल है? देखो भैया, प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि इक्वलिटी चाहिए सबको, ठीक है, या फिर लिखा हुआ है लिबर्टी है। अब किसी बंदे ने किसी को जाके थप्पड़ मार दिया और वो कोर्ट में ले जा गया, भैया प्रियम्बल में तो लिखा है कि आई हैव लिबर्टी, मेरे पास लिबर्टी होनी चाहिए, मैं जिसको मारना चाहूँ मैं मार सकता हूँ, ये ऐसा वो बोल दे भैया कि भैया प्रियम्बल बोलता है। तो प्रियम्बल इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, ध्यान रखना, प्रियम्बल जो है ये इन्फोर्सेबल नहीं है, इसको आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। प्रियम्बल अमेंड हो सकता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ भैया, प्रियम्बल अमेंड भी हो सकता है। कब हुआ, कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है? तो भैया प्रियम्बल जो है वो आपका जो है 1976 आपने देखा था, जो सेकुलर टर्म है, सोशलिस्ट टर्म जो ऐड करी गई थी, वो आपका प्रियम्बल को अमेंड करके ही जोड़ी गई थी 42nd अमेंडमेंट में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रियम्बल है इट कैन बी अमेंडेड। क्लियर है बात? इतनी बातें क्लियर है? नहीं है? अब इस क्वेश्चन का जवाब देना शुरू करिए। देखो, अगर नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का काम में जवाब देना, गलत सही टेंशन मत लो, लेट्स सी, देखते हैं जो भी होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला, बहुत इजी क्वेश्चन डाले हैं मैंने, अभी UPSC वाले डाले ही नहीं है क्योंकि कल पूछ लिए थे वो, बट अभी से बेसिक जो पढ़ा है ना हमने वो क्लियर करने के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो भैया मैंने आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया हुआ है। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सो पूजा सेड क्लियर है, तो नाउ पूजा प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन।
किसमें से कौन सा वर्ड जो है वो नहीं दिया गया है। जल्दी प्रियम्बल में देखो इक्वालिटी था, बिल्कुल था यार, इक्वालिटी तो टर्म हमने पढ़ी है, लिबर्टी था, जस्टिस था, फ्रेटर्निटी था, क्या नहीं था, डिग्निटी। तो इसमें गलत आंसर, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही है। सी सही क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो पूजा ने लिखा डी, पूजा डी कैसे, जस्टिस तो अभी पढ़ा था नहीं, जस्टिस मैंने आपको बताया था कि जस्टिस जो है सलमान खान या फिर कोई गरीब आदमी हो सबको इक्वल जस्टिस मिलेगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं ये यूपीएससी, बहुत ही मतलब कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन बनाए जिससे कि आपको जो हमने पढ़ा है उसकी बेसिक नॉलेज का जो है वो आइडिया लग जाए, ठीक है। इसके बाद ये कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कितनी बार अभी तक अमेंड हुआ है, जवाब दीजिए, दूसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हमारा प्रियम्बल जो है वो अभी तक कितनी बार अमेंड हुआ है, नेवर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फोर, फोर टाइम्स, जल्दी बताइए। चलिए देखते हैं भैया, चार टाइम तो गलत है, थ्राइस भी गलत है, ट्वाइस भी नहीं हुआ है, नेवर भी गलत है, एक बार तो हुआ है, कब, 1976 में, ठीक है। अरे पूजा आपका ये जवाब भी जो है गलत हो गया है, पर कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, द लैंग्वेज एंड आइडियल्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। ये भैया लैंग्वेज एंड आइडियल्स का जो कॉन्सेप्ट है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये कहाँ से बोरो किया है हमने। जवाब चाहिए जल्दी। तो इसका जवाब क्या है, डी, क्या जवाब है इसका, डी, यूएसए, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों से ही यहां पे इसको बोरो किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़िया, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, बताओ जल्दी। बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये यूपीएससी में बहुत कम चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन आए। इसका जवाब है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ें मैंने बताई नहीं थी आपको पीछे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करा रहा हूँ, जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है, वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेराइव्स इट अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो आप बता ही दोगे, हमारा प्रियम्बल शुरू किससे होता है, बस वही इसका आंसर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेराइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम, बेसिक क्वेश्चन है ये भी, फैक्ट बेस्ड चीज है, इसका भी राइट आंसर क्या है, सी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर क्या हुआ, पीपल ऑफ इंडिया। हमारा प्रियम्बल शुरू इससे होता है भैया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ही इसके क्या हैं, अल्टीमेट अथॉरिटी हैं और यहीं से डेराइव होता है, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर है, समझ में आ गई बात, तो शैलेश ने सी दिया, पूजा ने सही दिया, ठीक है, सी, नाइस, करेक्ट है। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर डिस्कस्ड, सिक्स क्वेश्चन है कि इसमें से किसमें बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो डिस्कस हुए हैं, पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, या प्रियम्बल में। चलिए जल्दी जवाब दीजिए, बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कहाँ डिस्कस हुए हैं, तो
तो भैया कहाँ हुए हैं, प्रीएम्बल में, जिसको हमने कहाँ से लिया था, यूएस से। अडॉप्ट कब किया था, नवंबर 1949 में। प्रीएम्बल क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्ट है, ये सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है, इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है, क्लियर हुई बातें। अगला क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस अमोंग द फॉलोइंग, इसमें से भैया गलत स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट करना है। पहली स्टेटमेंट है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो नेहरू जी के द्वारा पास किया गया था वही हमारा प्रीएम्बल बन गया कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा हुआ क्या, प्रीएम्बल इज इन्फोर्सेबल इन लॉ, तो भैया ये तो स्टेटमेंट जो है वो पहली गलत होगी। तो आंसर क्या है, बी, प्रीएम्बल्स बीन अमेंडेड ओनली वंस इन 1976, तीसरी स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। चौथी क्या है, प्रीएम्बल प्रूव्स द सोवरेनिटी लाइज अल्टीमेटली विद इन द इंडियन पीपल, तो डी भी सही है, पहला भी सही था, तो आपका जो इसमें बी जो स्टेटमेंट है ये क्या थी, गलत थी। क्लियर हुई बात, ठीक है, नाइस। अगला, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस केस में कहा था, तो देखो आपको मैंने केस का नाम बताया था LIC इंडिया, और ये भी उसका नाम है SR बोमई केस, क्या है, SR बोमई केस, ठीक है, जल्दी जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, LIC इंडिया केस भी है और उसको एक और है, मतलब LIC इंडिया केस या फिर SR बोमोई केस, ये दोनों किससे, इससे आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रीएम्बल है वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखने का है, गलत नहीं करने का है। तो इसी के साथ गाइस हमारा जो सेशन है वो आज का होता है एंड कल जो है हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। एंड अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपने अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन द मार्केट है आज की डेट में अनअकैडमी UPSC के लिए, और इतने कम दाम में आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, ऑफलाइन का 1/4 प्राइस है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर इसमें पढ़ाते हैं, और लेते टाइम पे मेरा कोड मत भूलिएगा MPS, ये जो कोड है ये आपको 10% का डिस्काउंट दिलाएगा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और ये मेरा तरीका है आपको कुछ रिटर्न करने का, तो आपके पैसे भी बचेंगे प्लस मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी आपके तैयारी तक, तो गो फॉर इट, टेक केयर गाइस एंड मिलते हैं कल।